पेपर्स तो सही पर मयंक को इनके भरोसे नहीं छोड़ सकते. कागजात ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें. हम मयंक को रोकेंगे नहीं, पर वो भाई है हमारा, तो आप पे हमारी कड़ी नजर रहेगी. और अगर आप हमारे परिवार को जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो आपको छोड़ेंगे नहीं. इकलौती पीस हो तुम काव्या, ये सच है. अच्छा सुनो, बात परिवार की आई है तो एक बात और है. चाचा जी जो हैं, वो बदरपुर बस स्टॉप वाला सरकारी प्लॉट बंटी मामा को दिलवा रहे हैं. हम समझे नहीं. बंटी मामा और चाचा जी के बीच में ये सौदा हुआ है कि इसके एवज में आदि के इलेक्शन की पूरी फंडिंग वो करेंगे. पर वो तो विवादित जमीन है. हमने खुद राज्य सरकार को अर्जी दी थी कि वहां पे स्कूल खुलवा दे. वो डिस्प्यूटेड लैंड कैसे दे सकते हैं? और अगर दिए तो फिर आदि का नाम आएगा. सोच लो. हम सोचेंगे. अच्छा ये बंटी मामा कोई 30 पर खाने का? वैसे हमने सुना है बहुत पैसे वाले हैं, मतलब आदि के इलेक्शन के कैंपेन में सारे पैसे वही लगाने वाले. बंटी, ये पूरा नाम? ब्रिज गोस्वामी. ब्रिज गोस्वामी, यार नाम सुना सा लग रहा है. हमें आदि ने बताया था कि उसके एक मामा मतलब कानपुर के बहुत बड़े बिजनेसमैन है, मतलब वीआईपीस के साथ उठना बैठना है उनका. चलो तुम परेशान नहीं करेंगे, हम जाते हैं अभी. अच्छा ये बीजी ग्रुप ऑफ कंपनीज वाले ब्रिज गोस्वामी तो नहीं? हाँ वही है, तुम जानते हो? नहीं जानते नहीं उनको हम, लेकिन उनकी फाइल पड़े हैं. कैसी फाइल? कानपुर का सबसे करप्ट आदमी है अम्माई, इनके केमिकल फैक्ट्री में जहरीले केमिकल लीक हो गए, फैक्ट्री हो गई बंद. और फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं वो, अरे वो जो मिलता है ना बीमे का पैसा, बीमे का पैसा, हाँ बीमे का पैसा भी मिला इसे पूरा भरपूर, लेकिन कर्मचारियों को इसने कुछ नहीं दिया, सारा हड़प कर लिया. सवाल ये उठता है कि अपना आदि ऐसे भ्रष्ट आदमी से मदद लेगा क्यों? क्योंकि आदि की नजर में उसका मामा बहुत पैसा कमाता है और जरूरतमंदों की मदद करता है. और वो जो फैक्ट्री है ना, वो कभी खुलने वाली नहीं है, ना वहाँ किसी गरीब को काम मिलने वाला है. मगर जब तक आदि को ये बात समझ में आएगी, उसका नाम ब्रिज गोस्वामी के नाम से जुड़ गया होगा. आदि इतने करप्ट आदमी के पैसे से चुनाव लड़ने जा रहा है, अगर ये बात विरोधी दल के हाथ लग गई तो शायद उसे राजनीति छोड़नी पड़े. लगता है बड़ी अम्मा कुछ ना कुछ प्लान कर रही है. ये क्या कह रही हो आप? ऐसे अहम मौके पर मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकते? हम जब बोल रहे हैं कि अनुराग के पैसे मत लो तो मत लो, मना कर दो उसे. क्यों? प्रॉब्लम क्या है? आपने खुद सारे कागज चेक किए हैं ना? जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो क्यों नहीं पैसे लेने उससे? मैं बहस मत करो हमारे साथ. देखो अनुराग अभी तो मैं पैसे दे रहा है, मदद कर रहा है, पर कल वो क्या कर दे हमें कुछ भरोसा नहीं है. ऐसे लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते और उनका एहसान नहीं लेना चाहिए. हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी, पैसों की किस्त जा चुकी है, आज दुकान खुलने वाली है, सारा माल आने वाला है और मैं ये इसे पीछे हट जाऊं. माइंक तुम्हें बात समझ नहीं आ रही है, अनुराग को मना कर दो. माल जो आ रहा है या तो वो टाल दो या फिर वापस करवा दो, हमें नहीं पता, हम पैसे दे देंगे. दीदी अब तक जो पैसे लिए उसका क्या? हम लौटा देंगे वो पैसे भी, भरोसा रखो हम पे माइंक. देखो अभी तक ना तुम मम्मी और पापा ऑलरेडी बहुत कुछ सह चुके हो और हम तुम लोगों पे और कोई आज नहीं आने देंगे. और ये अनुराग से हेल्प लेना एक तरह से मुश्किल को बुलावा देना. प्लीज हमारी बात मान जाओ और सुनो, पापा को पता नहीं चलना चाहिए. दीदी क्यों? अरे बंटी मामा ये काव्या है. इसने ओमी भैया को मारा है और हमारे परिवार को बर्बाद कर रहे हो.
नन्ही सी जान से उसका बाप छीना है। झूठ बोला, धोखा दिया। शाम को पार्टी है। पर तुम नहीं आना। हमसे पंगा मत लेना, वरना पड़ेगा बैंड बजाना। तो आप है कंस मामा, जिन पे चल रहे हैं 5 मुकदमा। धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और काला धंधा, 4 जिलों में वारंट लगे हैं, बेल पे जेल से छूटे हैं, आदि के कैंपेन में पैसे लगाएंगे, काले धन से इलेक्शन जितवाएंगे। क्या बकवास कर रही हो तुम काव्या? बकवास नहीं कर रहे हैं आदि, हम भी आप सबकी तरह हाथ से योगा ही तो कर रहे हैं, हम मामा जी के कदमों पर चल रहे हैं। अरे भांजे, कहां से लाया है नमूना? इसे पिंजरे में बंद करके रख। तुमसे बात करनी है, चलो। अरे जीजी, ये कैसी पनौती पाल रखी है घर में? देखे कैसी बेशरम छोकरी, किसी का लिहाज ना है इसको। आपके हास योग पे तो हंसिया मार दी। खैर, हमने तो इसकी किसी बात से लेना देना रखा ही नहीं है, पर आपको थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा ब्रज बाबू। अरे जीजी, अब चौकन्ना ना, तुम्हारी बहू को रहने को बोलो हमसे, क्योंकि हम ना उसका ऐसा हशर करेंगे, ऐसा हशर करेंगे। नहीं नहीं बंटी भैया, आपके जीजा जी का कहना है कि जब तक आदि एमएलए नहीं बन जाता, तब तक काव्या को हाथ नहीं लगाना। अरे हम कौन सा सच में हाथ लगा रहे हैं, और भी तरीके हैं डुक 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 बंदरिया को नाच नचाने के लिए। ठंड रखो बंटी, जब तक इलेक्शन है काव्या को कोई कुछ नहीं बोलेगा। लस्सी पीनी? जी बिल्कुल पियेंगे। चलो संतो। अरे अम्मा बंद करो ये हास्य होगा, गया वो फ्रॉड। और एक बात बताओ, वो आदि को इलेक्शन के लिए पैसा दे रहा है, आप उसकी मदद क्यों कर रही हो? अरे भाई, आदि को लगना चाहिए कि बंटी मामा से मदद लेने में कोई नुकसान ना है, समझे? फिर जो है, एक बार बंटी मामा का पैसा आदि के पास आ जाए, उसके बाद बंटी मामा की घंटी हम बजाएंगे। और वो कैसे अम्मा? हमारे पास एक गवाह है, उसका बेटा फैक्ट्री में गैस लीक होने के कारण अपाहिज हो गया। एक बार उसकी गवाही हुई तो बंटी मामा गए जेल और आदि हुए इलेक्शन से बाहर। अम्मा अगर कहीं वो पलट गया तब? सवाल ही नहीं उठता। बिल्लू सिंह के बेटे का इलाज हमने करवा होता तो बस एक बार बंटी मामा का पैसा आदि के अकाउंट में आने दो। आदि, वो पैसे तुम्हारे अकाउंट में नहीं आने चाहिए। देखो हमारी बात सुन, उन पैसों पे उन गांव वालों का खून है, किसी भी हाल में तुम्हारा नाम तुम्हारे मामा के नाम से नहीं जुड़ना चाहिए। स्टॉप इट काव्या, जस्ट स्टॉप इट, वो सारे इल्जाम झूठे हैं। मां से पूछा है हमने, बंटी मामा ने कोई केस नहीं दबाया है, किसी को घूस नहीं दिए उन्होंने। पर आदि, अभी तक केस बंद नहीं हुआ है, अगर कोई नया गवाह आ गया तो क्या कर लोगे तुम? अरे तुम्हें ऐसे इंसान से पैसे लेने ही क्यों है जिस पर इतना सीरियस आरोप लगा हुआ है? बदतमीज, मेरे भाई के नाम पर इतना बड़ा लांछन लगाते हुए शर्म नहीं आ रही तुम्हें? हाँ प्लीज, हम बात कर रहे हैं ना। बात करने दो हमें आदि, हमने कभी नहीं सोचा था कि लड़की इस हद तक नीचे गिर जाएगी। सही कहती हम, सांप को दूध पिलाया है हमने, और ये तो नागिन ने अपने ही परिवार को डसने पे तुले हुई है। माँ प्लीज,
हम बात कर रहे हैं ना, आप जाइए, ऐसे हम संभाल लेंगे। और तुम, पहले तुमने अपने बाप से हमारी फाइल चोरी करवाई और अब इलेक्शन का फंड रोकने की कोशिश कर रही हो। एक बात कान खोल के सुन लो काव्या, आज शाम की पार्टी में बंटी मामा हमें चेक देने वाले हैं सबके सामने, और वो चेक हम ले रहे हैं। मैं यार ऐसे कैसे चलेगा, तामन भी आ गया है, पैसे तो देने पड़ेगा ना यार। अबे तो क्या करूं मैं, मना कर दिया दीदी ने। भाई वो तो तुझे पहले सोचना था ना, अब वो सब छोड़ अभी करे क्या मयंक। मुझे नहीं पता यार, बस उस अनुराग से पैसे नहीं लेने। बिल्कुल ठीक कह रही है वो। आओ आओ। देखो सही कह रही हो कि अगर तुम्हारे दीदी के हम होते ना तो हम भी यही कहते कि अनुराग प्रधान पे भरोसा करना ठीक नहीं। और तो पहले क्यों नहीं बके, दुकान खुलने से पहले बंद करवा दे। यार बहुत गुस्सा है लग रहा है। सुनो, अरे तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? देखो क्या है बाबू, कभी कभी कान जो है ना ऐसे नहीं, ऐसे घुमा के पकड़ना पड़ता है। क्या मतलब? मतलब ये है कि हमें पैसा तुम्हें देना है और तुम्हें लेना है, इसके बीच में सिर्फ एक कान का फासला है। समझ में आया? नहीं आया? हम बताते हैं कि दीदी को तुम ये नहीं बोलोगे कि हमने तुम्हें पैसा दिया, तुम उसे ये बताओगे कि सुजॉय के चाचा जी ने तुम्हें पैसा दिया। हेलो दीदी। हाँ मैं बोलो। वो पैसों का इंतजाम हो गया। अरे वाह, इतनी जल्दी, मुझसे तो नहीं लिया ना? नहीं दीदी, वो सुजोय के चाचा से लिए। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, चलो अभी हम जा रहे हैं। हेलो, कोई है? ओ, कुछ कहा आपने? ठीक हो ना? किसी ने कुछ कहा है क्या? लोग तो कहते ही रहते हैं, हमें वादत हो गई है। फिर क्या परेशानी है, हम कुछ करें क्या? ओ, देखो मन में बात को दबा के रखोगी ना तो मन के अंदर सड़ के चरपरा जाएगा। तो बताओ क्या बात है? वो अनुराग है ना, वो बार बार हमारे पास आने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं, हो सकता है हम ज्यादा सोच रहे हो, लेकिन हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अलका आप अकेली हो सकता है वो आपकी मदद करना चाहता हो। हम अकेले नहीं हैं, काव्या और आदि हैं हमारे साथ, और हमें किसी और की मदद की कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी बहुत लंबी है, अकेले काट लोगी? हम मानते हैं कि काव्या आदि हैं सहारे के लिए, लेकिन कोई एक हम सफर हो साथ तो इसमें बुराई क्या है? शायद उम्मीद जग गया है, हम आते। साला पक पक कर देते, वो फिर गलती करती है। भाई और बहनों, अब इस चेक को अपने भांजे आदिराज को देने वाले हैं। एक फोटो वोटो खींचो ना। ये क्या कर रहे हैं आप मामा जी? मतलब ग्रह लक्ष्मी के होते हुए आप धन लक्ष्मी हमारे पति के हाथों में दे रहे हैं? आप सब बताइए, ये सही है क्या? बात तो तुम्हारी सही है काव्या बेटा, अब भाई पति की संपत्ति पे तो पत्नी का ही अधिकार होता है ना। हाँ तो फिर इधर आओ, देर किस बात की है, दीजिए। तुम्हारी पत्नी पे हमें भरोसा नहीं है, उससे चेक लेकर के सीधे पार्टी के ऑफिस में जमा करवा दो। हाँ 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 सही बात है बउआ, जल्दी से बैंक में जमा करा और पैसे निकाल ले।
कल को मामा का मन बदल जाए। बधाई हो, बधाई चुनाव लड़ने की अदी को, चुनाव है तुम्हारा, चेक मिल गया हमको, बधाई हो, बधाई इलेक्शन की तुमको। बस लाइए, बहुत तमाशा हो गया, चेक हमें दीजिए, पार्टी के अकाउंट में डालेंगे। हाँ हाँ, ले लो इसे चेक। चेक दो काव्या। चैलेंज भूल गया हमारा क्या? कौन सा चैलेंज? काव्या का दावा है कि पंटी मामा अपना काला धन हमारे इलेक्शन कैंपेन पे लगा रहे हैं। अगर बात खुलेगी तो हमारी ही बदनामी होगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साले पर लाठी लगाने की? भाई ये हमारा, इस घर में मेहमान है, शर्म नहीं आती तुम्हें? और तुम आदी, तुम भी अपने मामा को करप्ट कह रहे हो? हम कुछ नहीं कह रहे हैं माँ, हम जानते हैं पंटी मामा पे लगा कोई भी इल्जाम साबित नहीं हुआ है। पता है तुम्हें, चुनाव के वक्त पर हर पार्टी जो है बिजनेसमैन से पैसा लेती है, इसको चंदा कहा जाता है। पापा शांत हो जाइए प्लीज। काव्या ने हमें चैलेंज किया और हमने मान लिया है, क्योंकि हम जानते हैं सच्चाई हमारे साथ है, 24 घंटे हमारे पास। या तो काव्या ये साबित कर ले कि ये कमाई बेईमानी की है, या तो बंटी मामा की ईमानदारी की कमाई का ये चेक हम बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, लेकिन तब तक ये चेक हमारे पास रहेगा। हमें तुम पे जरा भी यकीन नहीं है। हमें भी तुम पे यकीन नहीं है। तो लाओ चेक हमें दो, हम घर के बड़े हैं, हम रखेंगे। ला। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप पे हमें जरा सा भी यकीन नहीं है। आप पे किसी पे भी यकीन। तमीज से बड़ी अम्मा है ये। हाँ, इसीलिए बोल रहे हैं, एक माँ अपने बेटे के मोह में कुछ भी कर सकती है। अरे तो बड़ी अम्मा है, प्रधान परिवार ने जो कुछ भी सीखा है सब इन्हीं से सीखा है, और बड़ी अम्मा के बड़े बड़े कारण के आगे हम लोग बहुत छोटे छोटे से, ये रिस्क हम नहीं लेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, ना तुम्हारी ना हमारी, जो होगा खुले में होगा। ये वो कहते हैं ना कि सबसे कीमती चीजों को हमेशा नजरों के सामने रखो, चोर भी चुराने से कतराएगा। जो भी ये शर्त जीतेगा वो चेक निकालेगा। वाह वाह जीजा जी वाह, अपने घर बुलाए के आपने हमारी खूब बेइज्जती करवाई है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और तुम आदि, नागिन के गले में मंगलसूत्र डाला है, तुम इससे बच नहीं पाओगे, पर हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे तुम्हारे लिए। अभी अब काव्या की तरफदारी मत कीजिए, आज आप विधवा काव्या की वजह से है। आज इस घर में आपको जो भी सुनना पड़ रहा है कि जिम्मेदार काव्या है और आप। नहीं भैया, हम ये मान ही नहीं सकते कि काव्या कातिल है, पर हम इस बात से हैरान है कि आप ऐसा समझ रहे हैं। जिसने हमारी कोख भरी वो हमारे स्वाग को कैसे चुरा सकती है, आप ही बताइए। जिसने आपकी जान बचाई वो किसी की जान कैसे ले सकती है? हमने अपनी आंखों से देखा है,
आंखें कभी कभी धोखा देती हैं आदि भैया, और दिल सब सच जानता है। आप अपने दिल से पूछिए और फिर दिल पे यकीन कीजिए। इस दुनिया पे भाभी ऐसा प्यार बहुत किस्मत से मिलता है आदि भैया, हमें कभी नहीं मिला। फिर उनके बिना हमारी जिंदगी सूनी हो गई है। अकेलापन हमें काटने को दौड़ता है। और आपके पास आपका सच्चा प्यार है, आप उसे ऐसे ही खो देंगे? आदि भैया हमें आपसे तरस आ रहा है। हमें कभी एहसास ही नहीं हुआ कि भाभी इतनी अकेली हो गई है। अकेली है वो, पर अकेली ही रहे जिंदगी भर ये जरूरी नहीं है ना। तुम मुस्कुरा रहे हो क्यों? हमें वो दिन याद आ गए जो हम दोनों किसी बात पे अड़ जाते थे, तुम मिलकर लड़ते थे, फिर चाहे हमारे सामने कोई भी हो हम नहीं रुकते थे। हाथी अगर तुम हमारे साथ हो ना तो हम आज भी किसी से भी लड़ जाएंगे, अलका भाभी के लिए, अपने लिए। पर तुम तो हमी से लड़ रही हो। हदी वो लड़ाई भी हम दोनों के लिए ही है। जब तक हम ओमी भैया की मौत में अपनी बेगुनाही साबित नहीं करेंगे तब तक अपने प्यार को कैसे बचाएंगे, अपनी शादी की हिफाजत कैसे करेंगे आप? हम अलका भाभी की बात कर रहे थे, तुम्हारी नहीं काव्या। हम तैयार हैं। आदि हम दोनों मिलके उनको खुशी का दूसरा मौका दिलवा सकते हैं। आ गया कॉल। वैसे आज तुम एक लड़ाई हारने वाली हो, वो चैलेंज हम जीतेंगे। द चेक इज माइन काव्या। हाँ नैना, और क्या पता चला ब्रज गोस्वामी के बारे में? और प्लीज इंटरनेट वाली इंफॉर्मेशन मत देना हमें। नहीं सर, मेरा एक सोर्स है, उससे पता किया है मैंने। उसने बहुत कुछ अजीब बातें बताई थी ब्रज गोस्वामी उर्फ बंटी मामा के बारे में। क्या? 8 साल पहले जब मुकदमा हुआ था तो प्रोसिक्यूशन के पास एक मजबूत गवाह था जो बंटी मामा के खिलाफ गवाही देने वाला था, पर रातों रात वो बंदा गायब हो गया। क्या नाम क्या था उसका? बिल्लू सिंह नाम था उसका। जो बताओ, जो गवाही अदालत में पेश तो ना हुई ना? नहीं, हमने कोर्ट में केस दबा दिया था। लेकिन अरे वो क्या होता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, वहां बयान दर्ज है उसका। और जे कहीं अगर सबके सामने आ गया तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। अरे वही तो डर है अम्मा, वो आदि का दोस्त संजीव जिसे आपने घर में बैठा के रखा है ना, उसने अर्जी दी है पुराना फाइल फिर से निकालने का। अरे उसमें बिल्लू सिंह का बयान भी तो है। उसे एक बार वो बयान हमारे हाथ लग जाए संजीव, फिर हम आदि को साबित कर देंगे कि उसका बंटी मामा कितना भ्रष्ट आदमी है। बड़ी आसान नहीं होगा काव्या, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से फाइलें निकलवाना बहुत पेचीदा मामला है।
वो लोग फाइलों को ऊपर नीचे घुमाते रहेंगे। जो भी हो हमें करना पड़ेगा संजीव, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर आदि का पॉलिटिकल करियर शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। हाँ, पर सीधी तरह तो काम बनेगा नहीं काव्या, हमें कुछ टेढ़ा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। और अगर ब्रिज गोस्वामी को पता है कि फाइल में क्या है? नहीं नहीं सर, हमें नहीं पता उन फाइलों में क्या है। ठीक है, तो फाइल्स हम खुद निकलवाएंगे और खुद पढ़ के दिखेंगे सच क्या है। और अगर आप जो चाहते हैं वो नहीं हुआ तो? होगा, हमें यकीन है बंटी मामा की मासूमियत साबित हो जाएगी। तो करना क्या है सर? बंटी मामा और पापा से कहते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से परमिशन ले, और तुम उस ऑफिसर से अपॉइंटमेंट लो, हमें उसे कल ही मिलना है। ओके सर। जल्द से जल्द ये सब फिगर आउट करो। ओके सर। और सर कल मैं अगर थोड़ा लेट आऊं तो चलेगा? कुछ पर्सनल काम है। क्यों? सब ठीक है? यस सर। सॉरी सर, एक्चुअली सर मेरे रूठे बॉयफ्रेंड को मनाना है। तब से सोच रही हूँ मैसेज भेजने के लिए, पर समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखूं। ठीक है, उसमें हम तुम्हारी हेल्प कर लेंगे। वॉश का खेल तो हमारा काम है। हम मैसेज लिख के भेजते हैं, तुम उसे फॉरवर्ड कर देना। मान भी जाएगा, डेट पे भी लेके जाएगा। ओके ओके सर, थैंक यू सर, बाय। वो फाइल किसी भी हाल में आदि के हाथ ना है, वरना बवाल हो जाएगा। अरे बाप रे, कितना तनाव हो रहा है आपको। हाँ, पसीने छूट रहे हैं आपके, ऐसा तो दिमाग की नस फट जाएगी भाई। हाँ, आप एक काम करो, जिस सोचने का काम हमारे हवाले कर दो। हाँ, मतलब ये है कि वो फाइल आदि को मिलनी चाहिए। अरे अम्मा जी, क्या बात कर रहे हो आप? फाइल नहीं मिलनी चाहिए। अरे फाइल नहीं मिलेगी तो शक हो जाएगा, फाइल मिलेगी और उसमें कागज नहीं होगा तो का उखाड़ लेगा तुम्हारा भांजा। अरे अम्मा, मान गए आपको है? अरे हमें ना आपकी शरण में आना है, आपको ना दंडवत प्रणाम करते हैं। पर कपड़ा गंदा हो जाएगा ना। अब तक टेंशन में पी रहे थे, आप खुशी में पिएंगे। अरे मामा जी बोतल, चलते हैं। अरे अम्मा, जो आखिरी तीर निशाने पे लग जाए फिर ना काव्या बचेगी ना आदि। लेकिन अम्मा ये पेपर कैसे गायब होगा? सुबह होने दे, हम काम करवा देंगे। सुबह होते ही हम खुद वहां जाएंगे। काव्या को कानो कान खबर नहीं होगी और फाइल में से कागज गायब। इससे पहले कि कोई फाइल गायब करे हम निकाल लाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। कल सबको पता चल जाएगा क्या सच है और क्या झूठ है। तुम हार जाओगी काव्या, हार जाओगी। ये लो। पक्का ये कपड़े हैं ना? अंदर से निकलवा कर लाए, बिल्कुल डिट्टो है। मगर काव्या, हमको तुम्हारा वहां जाना एकदम सही नहीं लग रहा है। धीरे बात करो, देखो यहाँ पे दरवाजे खिड़की दीवार हर चीज के कान है। अगर आदि ने बंटी मामा के पैसे ले लिए तो उसका पूरा का पूरा करियर खतरे में आ जाएगा। हमारा खतरा उसके खतरे के आगे कुछ भी नहीं है। अगर तुम वहां पकड़ी गई तब तो बवाल होगा, हम पे इल्जाम लगा दिया जाएगा कि हमने कागज बदल दिए। और इसीलिए ये जरूरी है, देखो हमें कुछ नहीं करना, हमें बस सबकी नजरों से बच के वहां जाना है और फाइल में से गवाह का बयान निकाल के लाना है। ये वो कागज है जो तुम घर से लेके गए हो, नकली कागज। हाँ। ये वो कागज है जो असली है, इसको उठाया, इसको रखा और ये वापस गई फाइल। बस बस और का। अम्मा, वैसे बड़ी मंजी हुई चोर हो आप है? 6 इंच की जबान ना मुंह के अंदर रखो अपने, जो काम है उस पर ध्यान दो। आदि दफ्तर पहुंचने वाला होगा। हाँ। उसके पहुंचने से पहले कागज निकालना है हमें। हाँ। है ना? हाँ। तो करो फिर से। हाँ। जल्दी करो। काव्या, नाश्ता कर लो। अलका जी, आपसे कुछ बात करनी थी। नहीं, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी।
भाभी ने ऐसा क्यों बोला? वो शायद जल्दी में थी। संजीव बताओ हमें। कल रात शायद हम बहुत ज्यादा बोल दिए उनको। क्या ज्यादा ही बोल दिए? काव्या तुम देर हो जाओगी, तुम अभी जाओ। संजीव देखो, जब तक तुम हमें नहीं बताओगे हम कहीं नहीं जाने वाले, बोलो। हम उनसे अपने मन की बात उगल दिए। एक सेकेंड, क्या क्या तुम उन्हें पसंद करते हो? उनको बहुत ज्यादा, मतलब हम उनके साथ, वो हमारे साथ। तुम समझ रही हो ना हम क्या कहना चाहते हैं? तुम शादी करना चाहते हो उनसे? ऐसा ही कुछ उगल दिया उनके सामने। हम जानते हैं हम बहुत बड़े कमीने निकले। तुम लोग अपने घर में रखे इतने इज्जत प्यार दिए और हम देखो क्या कर रहे हैं। तुम कभी हमको घर आओ। ऐसा प्यार बहुत किस्मत से मिलता है आदि भैया, हमें कभी नहीं मिला। उनके बिना हमारी जिंदगी सूनी हो गई है। अकेलापन हमें काटने को दौड़ता है। दिमाग खराब है तुम्हारा? तुम जैसे प्यारे लोग दुनिया में बहुत कम है संजीव, और भाभी पे हम जान छिड़कते हैं। और अगर उन्हें तुम जैसा जीवन साथी मिल जाए तो फिर उससे अच्छा क्या होगा? सच कह रही है तुम? वो भी ये चाहते हैं। वो हम उससे नहीं पूछो और हमको पूछने की हिम्मत भी नहीं है। पता करो और देखो, अगर वो हाँ बोले तभी आगे बढ़ना। तुम जो कर रहे हो ना वो गलत नहीं है। और इतना याद रखना कि भाभी के साथ ओमी भी है, तो जो भी करो उनके जज्बात ध्यान रखना। और अगर वो मान जाए तो तुम्हारी ये बहन है तुम दोनों के लिए किसी से भी लड़ जाएगी। ठीक है बहन, अभी जाओ और अपने जंग को लड़ाई करो और जीतो। बेस्ट ऑफ लक। अरे कहाँ रह गए थे? चले गए वो लोग। ये लीजिए। सही है ना जी? हाँ वही है, वही है। बड़े साहब की कमरे की सफाई हो गई? नहीं दीदी, जा रही हूँ, तुम भी चलो साथ में। ये तुम म्युनिसिपल ऑफिस में क्या करने आए हो भाई? दुबे जी से कुछ काम है हमें। अलमारी की चाबी यही होगी। काव्या कहाँ चली गई? अरे वो बाहर गई है। अरे आज सबको हो क्या गया है? काव्या भी बिना खाए पिए चली गई और वहाँ आदि भैया भी ब्रेकफास्ट किए बिना जल्दी जल्दी चले गए। आदि कहाँ गया है? पता नहीं, हमने तो पापा जी से सुना था कि वो कुछ कह रहे थे कि कोई सरकारी ऑफिस जाना है उनको। नहीं नहीं, म्युनिसिपल ऑफिस गए हैं। मर गए? काव्या भी तो वही है। ग्रुप ऑफ कंपनीज। अरे एक्सक्यूज मी जी। एक्सक्यूज मी, मिस्टर दुबे का कमरा? ये लेफ्ट। ये वाला? थैंक यू। अरे मामा जी, हमें दुबे जी से मिलना है, आपको किससे मिलना है? आदि है तो कमाल हो गया, हमें भी दुबे जी से मिलना है। साथ में मिलते हैं ना। आओ दुबे जी। हाँ संजीव। काव्या निकलो वहां से। संजीव तुम सही बोल रहे थे, बिल्लू सिंह ने गवाही दी थी और वो भी ब्रिज गोस्वामी के खिलाफ है यहाँ पर। काव्या हमारी बात सुनो, तुम निकलो वहां से, आदि वहां पहुंचने वाला है।
संजीव, ये आदि को दिखाना पड़ेगा, हम फोटो ले लेते हैं इसकी बस। काव्या, हमारी बात को ध्यान से सुनो। आदि वहाँ पे अगर तुमको देख लिया ना, वो समझ जाएगा कि तुम वहाँ पे कागज बदलने गई हो। उसे सबूत खुद मिलने दो काव्या। ठीक है, हम सिर्फ फोटो ले रहे हैं और कुछ भी नहीं। ओके, दुबे जी हम अंदर आ सकते हैं? क्या हो क्या रहा है? काव्या ठीक तो है ना? सही समय पे आपने बता दिया, वरना तो। अलका जी, देखिए कल रात को जो हमने आपसे बात कही थी, देखिए हम सॉरी तो आपको कहेंगे नहीं, क्योंकि जो मन में था हमने आपको वही बात कही है। और अलका जी, ये सच है कि हम आपको पसंद करते हैं, और अगर आपको भी मंजूर हो तो हम आपके साथ। इससे आगे कुछ मत बोलिए आप। देखिए हम आपसे नाराज नहीं हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जज्बातों में बहकर आप सच्चाई नहीं देख रहे हैं। हम विधवा हैं और एक बच्चे की माँ भी हैं। हम बुद्धू हैं क्या? अंधे हैं हम? हमें आपकी परिस्थिति नहीं पता क्या? देखिए हमें आपकी परिस्थिति में ना कोनो गलत नजर नहीं आता है। अच्छा, आप हमसे इस तरह से बात करेंगे, क्या ये गलत नहीं है? और आपने सोच भी कैसे लिया कि हम आपको हाँ कह देंगे? तो ना कह दीजिए ना, अगर आप हमें पसंद नहीं करती है तो ना कह दीजिए। हाँ नहीं है आप हमें पसंद? हमारे सिर की कसम खा के गई आप कि आप हमें पसंद नहीं करती। कसम से कह रहे हैं, हम अपने मुंह में ताला लगा देंगे हमेशा के लिए। कसम? दुबे जी, आमादीराज प्रधान अंदर आ सकते हैं हम? दुबे जी, हमें दुबे जी से मिलना था। वो साहब अभी तक आए नहीं है। वो जरा ना यहाँ है ना, अभी तक आए नहीं है, पर सेक्रेटरी साहब आए, वो जरा गुसल खाने गए, हल्का हुआ के खाते। घर से आते ही हाँ जल्दी आ गए ना शायद यह से। फिर अब हम तो फिर चलते हैं ना, हम बाद में आते हैं। अरे मामा जी एक मिनट, वो गुसल खाने में है, कभी ना कभी तो बाहर आएंगे ना, वेट करते हैं आप। अरे भाई देखो मक्खन तो खानी भाई, एक काम करते हैं ना, कैंटीन में चाय समोसा खाते हैं फिर लौट के आते हैं। अरे चलो, अरे आओ जी, चलो चलो। अरे मेरी जानो, तुम काहे टेंशन लेते हो भाई? अरे माँ जी हैं, थोड़ा पहले चिल्लाएंगी फिर जो चुप हो जाएंगी। और देखो तुम टेंशन मत लिया करो बिल्कुल भी, आज जब हम घर पे आएंगे शाम को तो तुम्हारे लिए गुप्ता की दुकान की गरम गरम जलेबी लेके आएंगे। भाई साहब जलेबी के साथ रबड़ी भी, जानू को मजा आएगा। हाँ और रबड़ी भी, ठीक है आप फोन रखें। हाँ रबड़ी वाले भाई साहब, आप दोनों कैसे खड़े हैं यहाँ पे? अधिराज प्रधान, मिनिस्टर साहब ने आपसे बात की होगी? हाँ हाँ हाँ, वो बताया था। आपको कोई फाइल देखनी थी ना? प्लीज दिखाइए। हाँ दिखा रहे हैं, ला रहे हैं। ए बोरू, ये कौन औरत आ गई है? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.